फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हिंदी की है मेरी हैंडराइटिंग। इसी तरह आपको हो सके तो एग्जाम में भी लिखें, बट ये फेयर कॉपी है जो कि मैंने क्लास 9th में बनाई थी, है ना। तो अब ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ना इस तरह बिल्कुल क्लियर एंड राइट। आपको भी इस तरह से लिखना है। क्लास 9th का था ये, फेयर कॉपी थी, ऐसे सब कुछ याद वगैरह करते थे हम। ये कॉपी चेक भी है, आप देख पा रहे होंगे सिग्नेचर हैं। ये देखिए डेट भी लिखी हुई है 30/10/2015। और इसी तरह और भी कई पेजेस हैं इसमें दिखा रहे हैं। यहाँ से भक्ति द्वारा अध्याय का जो जो इस तरह से लिखा हुआ है, ये देखिए सब कुछ पुष्प मांग 3 है, इसी तरह 4, 5 और 6, सूर्य 5 का, फिर गग तीर्घ प्रश्न देखिए इस तरह से है। मेरा कौन राम बंधन प्राप्त होने से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर प्रश्न अंक 3 भी है। तो इस तरह से है ना लिखना है आपको भी। ये क्लास 9th की हैंड राइटिंग है मेरी, है ना। तो देख लीजिए आप सब कुछ डिटेल से क्लियरली, इस तरह यह है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे वात्सल्य भाव अध्याय का है, हिंदी सब्जेक्ट का। बहुत ज़्यादा किया, बस इतना ही है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, इतना पेंच है यार, बहुत ज़्यादा है क्या। प्रकृति चित्रण है, हो गया बस आपका यहीं तक है प्रकृति चित्रण। देख लीजिए आप, तो बस ये टच करो। देखिए मैं कुछ लिख के भी दिखाता हूँ यहाँ पर क्या सब कुछ, इसलिए नाम लिखता हूँ विनय। देखिए इस तरह से आपको लिखना है। फिलहाल ये पेन की ग्रिप से भी होता है कि पेन मोटा चल रहा है ना, उसकी स्याही कैसी आ रही है, इससे भी फर्क पड़ता है। तो फिलहाल बस सही पेन नहीं है, नहीं तो और अच्छी राइटिंग होती है।